गलत फहमी की देखो 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 इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है इसने तो मुंह ही फेर रखा है हट गया सर। राम राम साहब मैं हूँ गाबड़ू आपका स्वागत करता हूँ आज के डेली ब्लॉग में। थोड़ा सा धुंधला आ रहा हूँ मगर काम चला लो। तो ये रहा हमारा गाबड़ू। गाबड़ू राम राम सा कर रहा है देख लो। देख लो। तो राम राम सा कर दो। चल बाहर निकालो ना प्लीज। ये कर रहा है वो आया बॉलर पीछे बॉलर आया उधर भीम। आजकल भीम की भी हेल्थ सुधर रही हो। हाँ घर आके सबकी हेल्थ सुधरी इसकी तो सुधरी हुई है। तो तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो कोने में बाड़े के हा? क्या ढूंढ के बैठो क्या ढूंढ रहे हो तुम? शर्म नहीं आ रही है तुमको? उधर तुम्हारी जगह नहीं है। यहाँ एकदम कोने में खांचे में आके बैठी हो। कुछ है भी नहीं क्या पता क्या खा रही है। क्या खा रही हो तुम? सर बाहर जाओ क्लिनिक पे जरूर पड़ा है। ये कह रही है मेरे शैम्पू लगा के मेरे बाल धो हैं। वो फंस गई उसको बाहर निकाल। हमारी वालू ने टांगड़ी की रस्सी क्या गले की रस्सी टांगड़ी में फंसा रखी है। इसके मुंह में से निकालेगा कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा तो उन्हीं फंसा के बैठ बाहर निकाल। हाँ मोबेटो वालूडो ये ऐसे तो ना देगी नक्की देगी, देगी। इसके वापस फिर वापस हमारी वालूडी ने इतनी रस्सी फंसा रखी है। देखो ये सांस नहीं आ रही है ऐसे रस्सी फंसा रखी है। तो अभी काटने के लिए लाता हूँ फिर रस्सी काटने के लिए। रस्सी काट को समझाते नहीं है कैसी उंडी उंडी हरकतें करती रहती है। क्या तो नकटी है अभी इसके लग जाती गले के। तो क्या तुम होना तुम ध्यान रखते हो ना। क्या मेरे पास क्यों आया लाड कराना? मेरे पास क्यों आया लाड कराना? लाड कराना ओ जुमर को अपनी बेटी की तो टेंशन नहीं है। क्या अपन है ना इसको तो गुदगी भी नहीं है डबोर है। हाँ बोलो। देखो 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 आके आके चिपक रही है चैट रही है मेरे भाई ब्रो। इधर इसकी बेटी उधर इसकी बेटी दोनों लाड़ के लिए भी नाने जाना होता है। ये हमारी टोकरियाँ किसी ना किसी कारण से गाय या टोकरियाँ हमको लेट कर देती है। तो पहले अब कैसी या कुछ काटने वाला लाओ फिर नाने जाओ। वालू को देख के धनुड़ी भी आई है लाड़ कराने आज तो। अरे मार मत तू सिंगड़े क्यों दे रहे मेरे पेट में लग रहे ना मान जा लेकिन इसको मत कर लाड़ मेरे को कर। ए, 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 देनु भी तो कभी कभी लाड़ कराती है लाई सोच। हाँ तेरे भी करूँ तेरे भी करूँ। देखो मैं इसको लाड़ करूँ और ये जल कुकड़ी की जलेगी हो देखना ये उसका कान खा रही है। कान मत खाओ उसका कान मत खाओ उसका इसको बटका भर के बगाएगी उसको। बोले रो इतना सारा पानी पड़ा है तू उसका मुंह क्यों पी रहा है रे हैं? इतना सारा पानी है इधर गाबड़ू का मुंह पी रहा है सी सूखला। ये देखो उसके गले की रस्सी निकालते निकालते इसके गले पड़ गया। ओ सी मत बताओ सबको मेरे को शर्म आती है ऐसे करती। अब कोई ऐसे तेरे हाथ में छुरी और ऐसे यूं देख ले तो क्या कोई मिसकंसेप्शन क्या बैठाएगा। इसी प्रकार से बीजेपी के खिलाफ भी लोग मिसकंसेप्शन बैठा रहे हैं समझे आप। तो अपने वोट कमल को ही देना है और जैसे हमारी वालू चमकती है वैसे कमल को चमकाना है ना वालूडी। और जैसे हमारे वो गाबड़ू का दिमाग साफ है पप्पू को साफ करना है। ये इसको लाड कर रहा है इसको नहीं सुवा रहा। देखो कैसी बेटी है माँ बेटे हैं आपस में वो जलन जेली सी जेली सी क्या हुआ ओ मुरे से निशान हो गया। मुरा उतार रहे उतार उतार मुरे से सुंदर लगती है इसलिए मुरा बांधा था। दो दिन सौ भुंडी लगती दो दिन दस दिन सौ भुंडी लगती इसके से क्या कर दिया बेटा क्या उसको मत लाड कर मेरे को कर नहीं तू इसकी वजह से यही इसको पता नहीं है। तो ये देखो इसका मुरा हटा दिया है और मुरा हटाने का कारण है कि ये देखो निशान पड़ गए थे इसकी इसकी चमड़ी सॉफ्ट है इसकी बहुत सॉफ्ट है ये इसकी मैनीक्योर पेडीक्योर ज्यादा हो जाता है। ये वो है वो आपके वो ऐड नहीं आता मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ कुछ मत कर तू। तो कल गलती से अकेला आ गया ऊपर छूट गई थी हम ढूंढ रहे थे मिली नहीं फिर रात को जाके देखा तो ये रही देखिए ये बेटी चार कबूतर के बच्चे मार दिए साली ने इसको हम अंदर नहीं ले रहे हैं अब जान बूझ के बिस्तीवाड़ा फैला दिया। उंगली जा तेरे को जा जाना कोई एंट्री नहीं है इस घर में। कल से चने खाने के लिए तरस रहा है मम्मी ने कहा था संडे को नहीं खाते हैं सोमवार मन था सोमवार को तो खा दो। मेरे को भी मना कर दिया था चने खाने के लिए कि सोमवार के संडे को नहीं खाते ला चने खा आज सोमवार है तो आज चने खा सकते हैं ठीक है। बाकी बार कोई क्या कंपटीशन चल रहा है भाई अभी से कह रहा मैं गो रहा हूँ मैं क्या मैं गो रहा हूँ देख लो तूने नहीं तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में से गोरा कौन है। देखो हाल चेक करे मैंने चेक करे ओ इनके लिए हरा चारा आया है। हाँ दे रहे हैं तेरे को दे रहे हैं हमारा ब्रो आ गया चारा खाने। हाँ
ले जा अंदर ले जा इसको। हेलो सर, दो टक्के तो लेके जाऊंगे। अंदर गाल इसको। तो ये जा रहा है चरा, अंदर लेके जा। यहाँ नहीं, हाँ जा 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 जा, भग जा भग जा, ये सारी भागी। देखो अभी सारी गायों को चारा मिल रखा है, एक भी गाय भाव नहीं देगी, सबको हरा चारा मिल रखा है। देखना हो झुमरी को दिखा। झुमर झुमर ब्रो, हेलो, क्या कौन है तू? वालू वालू, नहीं तो कैसे आती है पास में? इधर देखना इसको। नंदा नंदा आ बेटा, नंदा एक भी तेरा भाव नहीं दे। पूनम पूनम तू ही दे दे, ठोकी ले ले आओ। गाइस 11 बज रहे और इस समय तक हम वसुधा गुरुग्राम में खाना खा लेते थे, अभी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते के जोगे नहीं है, यहाँ आके ढोली घोड़े हो गए। मम्मी तो दे रही हो, मैंने वीडियो देख ली ना तो बेटा तेरे को ये भी नहीं मिलेगा। मम्मी देखती नहीं वीडियो, सब देखती है। तो गाइस मैंने कुछ नहीं कहा है, यही कह रहा था ये इसको लेट नाश्ता मिल जाए। गाइस मत दाब यार, लोगों को ये गलत फहमी हो रही है कि हमने वसुधा गुरुग्राम बंद कर दिया तो गाय भी दे देंगे किसी को, तो लोग कैसे कैसे मैसेज करे सुनाऊ। मैं ये कह रहा था कि अगर बंदी कर रहे हो तो फिर छोटी वाली बच्ची है। ये कह रहा है, मैं ये कह रहा था अगर बंदी कर रहे हो तो झुमर की छोटी वाली बच्ची और डिनू मेरे को दे दो, मैं पालूंगा उनको। भैया कोई गौग्राम बंद हुआ है, हमारी गाय हमारे पास ही है। हाँ, और बेटा गाय लाएंगे हम, समझे? तो गायों की जिस दिन प्रभु जब तक चाहेगा तब तक तो सेवा हम ही करेंगे। लाडो को दे रहे थे दवाई, और हमारी गाय कितनी समझदार है, सब देखो दवाई लेने आ गई। ये धेनु भी आ गई कि मेरे को भी दे दो थोड़ी थोड़ी सी दवाई दे दो। ये पूनम भी आ गई, जो जोश में झूमर और नंदा भी आ रही है, देखो इनको पता ही नहीं। खेला होने वाला खेला, झूमरी पकड़ो इसको, झूमरी को तू मोबाइल पकड़, मैं झूमरी को पकड़ता हूँ। तो झूमरी इस चक्कर में आई है कि इसको कुछ खाने को मिलेगा जैसे लाडो को मिले। अब झूमरी शिकार होगी हमारा। झूमर गेम लिंग होने वाली है, देख हापू आपू दिखाना पड़ेगा ना, रुक पता पड़ गया आपू बाकी आपू आपू है झुमरी, रुक जा रुक जा, इसके मुंह में मुरा नहीं है ना, और मुरा और नहीं इसके खाकी के। ए उबी रहा सीधी, मुंडा पकड़ इसका चोटी का, मेरे को आना पड़ेगा ब्रो, कहीं नहीं आना पड़ेगा। आगे पकड़ में आखिर इसके मुरे से थोड़े, ये देखो इसके वो सुंदरता पे वो हो गया, इसलिए मुरा हटा दिया, इसलिए मुरा हटा दिया। फिर ये ऐसे कैसे बोले कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या क्या करूँ, बेटी को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। हाँ मुरा वापस लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं मगर मुरे से इसके ही हो जाती है ना समस्या। हाँ सब बाल उतर गए, देख फिर ये बोल ही नहीं पाएगी मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। नहीं मुरा हो नहीं हो ये तो सुंदर ही है, हमारे लिए तो हमेशा ही सुंदर। तो भैया हमारी गायों को इम्प्रेस करने आए हैं बाहर से नंदी महाराज। बेटा कोई एंट्री नहीं है, ये कौन सा गाना गा रहा है बताता हूँ मैं, ये गाना गा रहे आशिकी बाजी है तास की। ये दो बाज बैठे ना, एक ये और एक मैं, तेरे को आने नहीं देंगे। मैं अभी कूद के आता हूँ, तुम तैयारी रखना, फिर मैं तुमको भगा के ले जाऊंगा, फिर गाना गाएंगे। मैं तुझको भगा लाया कौन गाने देगा रे, गलत इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इसने तो मुंह फेर रखा है, हट भगया से। अभी आया है हनी का फोन, हनी को पता पड़ा है कि हमने शिफ्ट कर दिया है। हाँ ये आई नहीं है बेटी, ये आई नहीं है, काम चोर है बेटी, इसको पता था कि पैकिंग करानी पड़ेगी। बाज गई बेटी, बाज गई। हाँ तो अभी आएगी एक दो दिन में गायों से मिलने। झूमर कह रही है कान पे ये आवाज की जरूरत को नहीं, मगर सफाई के टाइम पे तो तू आई को नहीं। हनी क्या बोल रही है? हनी बोल रही है कि एक दिन हमने इसने और मम्मी ने मिल के है ना पापा को फटी हुई चाय पिला दी थी, छान चुना के चाय फट गई थी। ये वीडियो अगर पापा देख रहे हैं व्लॉग में आया होगा तो हनी ने और मम्मी ने आपको फटी हुई चाय पिलाई थी। कैंटीन कहा था अरे इधर ला ऐसे को चाय वेस्ट करते। ओ मम्मी ने ये क्या बनाया है? बाजरे की इडली को चौक दी। यहाँ आगे मम्मी सब खाने में कचरा कर रही है, गजर बजर कर दिया। सब बढ़िया बन रहा था, बढ़िया चीज थी प्लेन। ये बाजरे की इडलियाँ, गाइस कमेंट करके बताओ क्या आपने कभी बाजरे की इडली खाई है? क्या नहीं खाई है तो हमारे घर आओ, स्पेशल डिश है ये। हम ये भी छाछ और अलग से, ये हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपकी मम्मी को क्या बना के खिलाए, ये आ जाओ जो हम खा रहे हो खा लो यार, परेशान हो रहे हैं। देखना हमारी पूनम महारानी कहाँ खड़ी है, दिखाता हूँ आपको, देखना हो ये देखो। टेड ऊपर चढ़ के क्या कर रही है तू? रैंप वॉक में ही बैठी, क्या कर रही है यहाँ पर तू? नीचे उतर, नीचे उतर पूनम। गायों के साथ आपको एक झूठा एक्टर दिखा दे, वो देखो वो यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, हो रहा है ऐसे जैसे मार पिटाई हो रही हो। हाँ बोल कहाँ फंसा, इसको इधर अंदर आना, कैसे आएगा तू अंदर? नहीं अभी से रह ले, मैं बुलाऊं, देखो इसको अंदर ला।
नन्ना आई भी तो माँ कहा गिरे तू गोगबन में से वो मत निकाल लेना सेलुलस 8000 रुपए का है गोबर में से सेल्युलस निकालने के लिए 8000 रुपए का होता है एक गोबर का सेल्युलस तो बेला इस सब में से सेल्युलस निकाल के ला जा बेला जा बेला सेल्युलस निकाल के लो जाओ जाओ लेके आओ गई गई काम पे शर्म तो आ नहीं रही है ना पुनः गिर जाएगा बेटा गिर जाएगा तू तेरे को शर्म आ रही है देख मां खड्डा है खड्डे में गिर जाएगा उधर देख कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसके वो बेला को पानी निकाल के पिलाया उसमें कटोरी में उसका छोरा देखो लेके भाग गया उसकी माँ को ही नहीं पीने दे रहा ये छोड़ इसको अरे उसको पानी पीना है बेला को खाली करके उसको छोड़ दे इसको कितनी उस्ताद है देखो इसको पता है कि इसके दूने का टाइम हो रहा है तो ये इंतजार कर रही है ये देखो है झूमर दूध दूने का टाइम हो रहा है अब इधर देखना ये फोन तेरे भी दूध दूने का टाइम हो रहा है क्या बेल की मार खाएगी झूमर के पास मत जाना भैया सांवरी नहीं है अब तो बोलेरो का ऐसे दूध पिला रहा है देखो बोलेरो की पूरी बोतल तैयार है बोला लो गोरजी पाई गोरजी पिलाएंगे उसको देखो लो जाओ पिलाओ देखो बोलेरो हमारा पटापट पी रहा है मस्त स्पीड से तो भी आज बड़े दिनों के बाद चीज खींचे बड़े दिनों नहीं बुधने परसों कुछ चेपा चीज खींचा बड़े दिनों के बाद तो अब अपना काम यही है बाहर घूमो चेपो मजे करो हाँ और गो सेवा चलो चलो करते हैं गो सेवा पहले गो सेवक की सेवा जिसको बगुड़े को देखो गाड़ी में कैसे बैठा है देखो ये गाड़ी का राजा हो ना ये एकला कह रहा है कहाँ बैठा है कहाँ बैठा है मर्जी था बैठे का भैया क्यों बैठा था तो काका जी का राज है उपविश क्या हुआ अभी जय भैया का फोन आया है कि जय भैया को एक किसी का फोन आया था तो सुरेश जी को इनके मैनेजमेंट संभालने वाले को फोन आया था और वो कह रहे थे कि हमें स्ट्रिक्ट डॉग की कोई रील पोस्ट करानी 81 कुत्ते रखती हूँ मैं और नगर पालिका वालों ने कहा हटाओ नहीं तो मार देंगे तो उन्होंने कहा हम गायों की रखते हैं तो औरत गालियां बोल सुरेश जी को जो रील पोस्ट नहीं करी तो गायब होने लगे दमादम चार पाँच मिनट तो भैया हम है इसके ट्रांसपोर्ट बॉय पता है इसमें चारा खा लिया अब इसको हम छोड़ देंगे चलो सब गायों के पास चलो 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 ट्रांसपोर्ट गाड़ी आ गई आपको लेने के लिए नहीं मेरे को नहीं जाना आओ 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 कहाँ नहीं जाना है चलना अपने घर पे चुपचाप फटाफट चलो 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 तो सोच रहे हैं मम्मी के भी जरूरत है तो अनुपमा को यहाँ बुला लिया था अनुपमा को बुला देता मम्मी की बढ़िया रसोई में मदद करा देगी तो मम्मी भी थकेगी जोची बहन जोची बहन जोची बहन अनुपमा बहन को बुला दे मेरी क्या पहुंच गई काम कराने वो पगार और नहीं लेती है मम्मी आपके बढ़िया बातें भी हो जाएगी है बुला ले लाइट और झूठ बोला था लाइट चली गई नहीं आएगी अनुपमा नवा पार बताए क्या कर रहे हो भैया आज हम बाहर लगा रहे हैं खाट क्योंकि वसुधा गौग्राम में बाहर एसी सुहा नहीं रहा बाहर सो के हेवे हो गए बाहर सोने के है ना हाँ।